सो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IIM इंदौर के बारे में। पूरा कॉलेज यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कैंपस के बारे में, प्रोग्राम आपको कौन से कॉलेज ऑफर करता है, उसके अलावा फीस का स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट क्या है आपकी और एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, राइट। लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि अगर आप भी क्राइस्ट, सिंबलसिस, आईपीयू, नासमुंजी, डीयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो, आप सीयूटी, आईपीएम, बीबीए, बीएमए जैसे कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो, तो आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। हम आपकी पूरी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। देखिए आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आपको सिर्फ इस पे हेलो सेंड करना है और आपको डेमो वीडियोस और कोर्स की जितनी भी डिटेल्स है आपको सारे शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। अगर आपको डेमो वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ इनरोल कर सकते हो। कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक के टॉपिक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं सभी एंट्रेंस एग्जाम के, डाउट सॉल्विंग टीम आपको मिल जाती है, ई बुक्स मिल जाती है जीके वर्बल, एलआरडी, क्वांट्स की, और स्टडी का पूरा प्लान मिल जाता है कि कैसे आपको अपनी स्टडी करनी है। तो अब हम बात करते हैं अपनी वीडियो के बारे में, बात करते हैं IIM इंदौर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सिक्स मैनेजमेंट कॉलेज था। उससे पहले जो आपके पांच मैनेजमेंट कॉलेज है, जिसमें सबसे पहले आता है एबीसी, ए मींस अहमदाबाद 1961, उसके बाद बी मींस बैंगलोर 1973, और उसके बाद सी आता है आपका कैलकाटा 1961। अब देखिए तीन होने के बाद फोर्थ आपका कॉलेज था 1984 में लखनऊ, और उसके बाद फिफ्थ था आपका 1996 कोझिकोड़ी, उसके बाद 1996 में ही आया था आपका IIM इंदौर, राइट। अगर हम बात करें इसकी रैंक की, तो देखिए यहाँ पे आपकी सेवंथ रैंक है इसकी, एनआरएफ 2020 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग IIM की सेवंथ रैंक है ऑल इंडिया में, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे कैंपस की, तो देखिए यहाँ पे काफी बड़ा कैंपस आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको हॉस्टल मिल जाता है, लाइब्रेरी मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, ऑडिटोरियम मिल जाता है। तो काफी बड़ा कैंपस यहाँ पे है, करीब 193 एकड़ में पूरा कैंपस है, तो काफी बड़ा कैंपस है। आप यहाँ पे बिल्कुल अपना एडमिशन ले सकते हो, अपनी पढ़ाई यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे पहले हॉस्टल की, तो देखिए यहाँ पे करीब आपके चार हॉस्टल होंगे, जिसमें करीब 60 स्टूडेंट पर एक हॉस्टल में रहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एमबीए स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे उनके लिए एक अलग हॉस्टल है जहाँ पे करीब 200 स्टूडेंट्स रहते हैं, जहाँ पे आपको 1 GB/s का इंटरनेट कनेक्शन भी मिल जाता है, जो आपकी पढ़ाई में काफी हेल्प करता है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे लाइब्रेरी की, तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी और स्पेसियस लाइब्रेरी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप मैगजीन, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स के आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे, उसके अलावा बुक्स मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, उसके अलावा ई बुक्स है, ई जर्नल्स है, तो काफी सारा आपको मटेरियल यहाँ पे स्टडी करने मिल जाएगा। तो आप लाइब्रेरी में भी आराम से जाके अपनी पढ़ाई जो है कर सकते हो, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आपके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, तो देखिए यहाँ पे काफी बड़ा और नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप काफी सारे गेम्स कर सकते हो, जैसे स्विमिंग कर सकते हो, जिम कर सकते हो, ऑडिटोरियम आपको देखने को मिल जाएगा, और भी बहुत सारे गेम है जो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए कैंपस में रहते हो, तो कैंपस में भी आपको बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और भी काफी गेम्स हैं जो आप वहां भी कर सकते हो, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपके प्रोग्राम की, कौन से प्रोग्राम आपको कॉलेज ऑफर करता है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो प्रोग्राम है आपका वो है आपका पीजीपीएम, यानी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसे हम एमबीए भी बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ईपीजीपी की, यानी एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। उसके अलावा आईपीएम है, आईपीएम एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जिसमें आप मान लीजिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को एक साथ करते हो, यानी आपका 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन आप एक साथ लेके चलते हो, 5 साल का किसी कोर्स में आप एडमिशन लेते हो, तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, मान लीजिए आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन है बीए, और 2 साल की या 3 साल की है आपकी एलएलबी, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर जो प्रोग्राम बनेगा उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, तो मान लीजिए बीबीए प्लस एमबीए अगर आप करते हो, तो उसे हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलेंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम को इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बोलते हैं। ये कोर्सेज आप यहां से कर सकते हो। उसके अलावा पीजीपीएमएक्स है, उसके अलावा पीजीपी एचआरएम है, उसके अलावा एफपीएम है, और भी काफी सारे कोर्सेज हैं। तो आप यहां से अगर ये कोर्सेज भी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो देखिए बिल्कुल सामने आपको फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगा। पीजीपीएम का जो फीस स्ट्रक्चर है वो करीब 16.1 लाख टोटल फीस है, ईपीजीपी की 21.12 लाख टोटल फीस है, आईबीएम की 28 लाख टोटल फीस है, और एंड आई थिंक अभी ये बढ़ा दी गई है, आपकी 30 लाख टोटल फीस आपकी अब कर दी गई है। उसके अलावा पीजीएमएक्स की है 17.6 लाख, उसके अलावा पीजीपी एचआरएम की है 8.5 लाख फर्स्ट ईयर की। तो काफी सारे फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो कोर्सेज के बिल्कुल सामने आपका फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें यहाँ पे आपके प्रोग्राम की, जो प्रोग्राम आपको आफ्टर ट्वेल्थ ऑफर किया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की, तो वही बात यहाँ पे दोबारा आ गई जो हमारे इस वीडियो में मेन टॉपिक भी है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईपीएम
कोर्स की, राइट। उसके अलावा आईआईएम रोहतक भी है, रांची भी है, बोधगया भी है, जम्मू भी है, ये कॉलेज भी आपको ऑफर करते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सिर्फ आपके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के आईपीएम की, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईआईएम इंदौर की। तो देखिए, इंदौर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो आईपीएम में, तो उसके लिए आपको तीन स्टेप होते हैं। आपके फर्स्ट जो स्टेप है, आपको आईपी मेटा एग्जाम है वो क्लियर करना होगा, राइट। उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, यानी रिटर्न एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम वेट भी बोलते हैं। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, पीआई, और उसके बाद थर्ड स्टेप होगा आपका फाइनल सिलेक्शन। तो ये प्रोसेस होता है आपका एडमिशन का। सारे स्टेप क्लियर होने के बाद आपका एडमिशन जो है वो वहां पे हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आगे बात करें यहाँ पे आपके प्लेसमेंट की, जो कि किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए काफी मेन पॉइंट होता है, तो देखिए आपको काफी सही प्लेसमेंट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें हाईएस्ट प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट है 49 LPA, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे टॉप 100 की, तो 37.95 LPA आपको देखने को मिल रही होगी। उसके अलावा टॉप 200 की अगर हम बात करें, तो 32.75 LPA है यहाँ पे टॉप 200 की। तो देखिए, आप प्लेसमेंट यहाँ पे काफी अच्छी आपको देखने को मिल रही होगी। अब देखिए, काफी बच्चों को लग रहा होगा कि फीस इसकी काफी हाई है, तो आप प्लेसमेंट से इसको कंपेयर कर सकते हैं। जितनी आपकी फीस है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे आपको प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाती है, राइट। उसके अलावा अगर हम आगे बात करें यहाँ पे आपके एलुमिनाई की, तो देखिए यहाँ पे हम मैंने चार एलुमिनाई यहाँ पे निकाले हैं। फर्स्ट जो है आपका हुसैन हार्ली, जो कि एक पोएट है। उसके बाद है राहुल राजन, सीईओ है रिलायंस जियो मैनेजिंग सर्विस लिमिटेड के। उसके अलावा मिनल शाह है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद अशिक के है, जो कि एक बिजनेस हेड है नो ब्रोकर के। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आप भी इनरोल करना चाहते हैं, आप भी अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे हेलो सेंड करना है, और बाकी की जितनी भी डिटेल्स हैं आपको वहां पे शेयर कर दी जाएंगी। आई होप कि दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।